नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में आप सभी का स्वागत है। भादुरगढ़ के पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे की आत्महत्या मामले में INLD प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद गुरुग्राम में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने पूर्व मंत्री के बेटे की आत्महत्या मामले में सरकार और पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बीती 26 तारीख को जो ऑडियो वायरल हुआ था, उस पर पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि पुलिस को शिकायत दी गई थी। ऐसे उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि JJP के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य ने ऑडियो वायरल किया था, आखिर उसके पास ऑडियो कहां से आया, ये सबसे बड़ा सवाल भी है। वही सरकार ने भी जल्दबाजी में SIT का गठन किया, जिसमें नफे सिंह राठी को छोड़कर किसी आरोपी से पूछताछ क्यों नहीं की गई। ये सभी आरोप अभय सिंह चौटाला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए। जगदीश नंबरदार ने जो चौधरी मांगेराम जो राठी जो थे, चौधरी देवीलाल जी की कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, जो उनका सुसाइड हुआ दुख खबर है। लेकिन उसमें जिस ढंग से सरकार ने एक बड़ी जल्दबाजी करी है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी और नफे सिंह राठी के खिलाफ भी उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करने का काम किया है। ये सब चीजें करने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी, पुलिस के जुम्मे लगाना चाहिए था कि सुसाइड के पीछे क्या कारण है। और पहले सारे कारणों की जांच करके पता करके उसके बाद फिर कोई उन्होंने FIR लॉन्च करनी चाहिए थी। बड़ी हैरानी की बात है, जो SSP जज्जर है उस समय में यह स्वीकार करते हैं कि 26 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो, और उस ऑडियो में चौधरी नफे सिंह राठी का नाम दिया गया कि इनकी वजह से मैं कल को अगर कोई आत्महत्या करता हूं तो उसके जिम्मेवार ये है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और उसने ये ऑडियो जाहिर वायरल करके उससे पहले कहीं पुलिस में कोई भी एक भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। वही अभय चौटाला ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मंत्री मांगेराम के बेटे की आत्महत्या मामले में JJP और BJP ने इनेलो के खिलाफ षड्यंत्र रचा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की CBI से जांच करवानी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की कि संदीप सिंह छेड़छाड़ मामले में भी CBI से जांच करवाई जाए, ताकि सच जो है वो जनता के सामने आ सके। आज तक किसी ने एक बारी भी किसी को कोई नोटिस नहीं दिया, कोई पूछताछ नहीं करी। आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि सरकार कितनी सीरियस है। किस तरह से किसी एक राजनीतिक व्यक्ति को किसी एक राजनीतिक दल के ऊपर कलंकित करने के लिए कितने छोटे हथकंडे अपनाए जाते हैं, किस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। हमारी डिमांड है इसमें कि बजाय हरियाणा की पुलिस से इसकी जांच करा के इस मामले को CBI को सौंपना चाहिए, इसको भी और संदीप सिंह वाले मामले को, दोनों को CBI को दे देना चाहिए, ताकि ये साफ हो कि उसने सुसाइड क्यों किया, उसके पीछे कौन लोग थे। जो ऑडियो बनाई गई, उस ऑडियो को सबसे पहले वायरल किसने किया, उस ऑडियो को वायरल करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं, JJP का प्रदेश कार्यकारिणी का एक सदस्य है जो भादुरगढ़ का रहने वाला है और रहता है पंचकुला में, जिसका नाम है संबीर सिंह दलाल। उसके पास ऑडियो कहाँ से गई, इस बात की भी जानकारी लेनी चाहिए, जांच करनी चाहिए पुलिस को कि उसने सबसे पहले उसको जारी किया और फिर जारी करने के बाद उसके पास गई तो कहाँ से गई। यहाँ तक भी इस बात को लेकर के लोगों में चर्चा है, ये ऑडियो बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ उसी व्यक्ति का है, ये JJP वालों का एक षड्यंत्र है, इसलिए हम चाहते हैं इसकी जांच CBI से हो। CBI से जांच होगी तो सारी जानकारी सबके सामने आ जाएगी। हमें दुख है इस बात का, जो जगदीश नंबरदार जिसकी सुसाइड हुआ है,
उसका छोटा भाई हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो हर रोज पार्टी के जो भी कोई पार्टी की मीटिंग है उन सब मीटिंगों में आता है, पार्टी की तरफ से जो जिम्मेवारी उसके में लगाते हैं वो उस काम को पूरा करता है। तो साइड वाले दिन भी वो मेरे पास आया हुआ था, अगर कोई ऐसी बात होती तो 100% मेरे आगे जिक्र करता। ये आपने हेलो नेता अभय चौटाला को सुना जो पूर्व मंत्री के बेटे की आत्महत्या मामले में नफे सिंह राठी का बचाव करते हुए नजर आए। फिलहाल आपको बता दें कि बुधवार शाम को बहादुरगढ़ के पूर्व मंत्री के बेटे जगदीश राठी ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था, जिस पर पुलिस ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।